बहुत ही बढ़िया गेम यहाँ पर पूरी तरीके से बीट किया रोहित को। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। कोइंदोरा की अगली गेंद रोहित स्ट्राइक पर, फिर से एक बार लेग स्टंप से बाहर। अगली गेंद ऑफ साइड पर, फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे वहां पर लेकिन कोई मौका नहीं। रोहित सामना करेंगे कोविंद की अगली गेंद का। बढ़िया लाइन और लेंथ, कोई मौका नहीं। बढ़िया कमबैक यहां पर रोहित टाइगर्स का एक महंगे ओवर के बाद। सभी दर्शकों और प्लेयर से निवेदन कि नाश्ता लग चुका है ऑफ साइड में बॉल को लेग में मारना चाहते थे, फिर से एक डॉट बॉल। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन्स। सभी दर्शकों और प्लेयर से निवेदन कि नाश्ता लग चुका है, फूड जोन में जाकर गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद ले। अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं तुषार पनिया। सामना करेंगे आशीष, बढ़िया लय में है आशीष। तुषार की पहली गेंद ऑफ साइड से ज्यादा बाहर, वाइड। तुषार की अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहां पर, एक कैच का मौका और ये बहुत ही बड़ा विकेट। दो बार जीवन दान मिल चुका है आशीष ओझा को। ऐसा ना हो कि कहीं कैचेस छोड़ते छोड़ते मैच उनके हाथ से फिसल जाए। दूसरा जीवन दान, तुषार की अगली गेंद स्ट्राइक पर, राइट हैंड बैट्समैन रोहित गोपा। बढ़िया गेंद घुमा दिया यहां पर, फील्डर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं।
लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। तुषार की अगली गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद दर्शन भैया की जबरदस्त रन का कोई नहीं। तुषार की अगली गेंद ऑन साइड पर खेल दिया है वहां पर फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग दोनों बिल्डर्स के बीच में से गैप ढूंढते हुए 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पर रोहित द्वारा, आशीष भैया क्या जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ पचास रन पूरे इसी के साथ रेड बुल्स के 50 अप फॉर बुल्स।
हेलो 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 सात ओवर 94 रन लॉस ऑफ टू वी रेड बुल 94 रन आशीष भी काफी अच्छी बैटिंग करते हुए 48 रन पे फिर एक बार वाइट काफी अच्छा अंदरूनी भाग लगा एक रन लेने में कामयाब सात ओवर की एक बॉल में 96 रन लॉस ऑफ टू विकेट प्रेम देखते हैं अभी अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं क्या 10 ओवर का खेले जा रहा है ये मुकाबला काफी अच्छा बॉल होती है अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन दिख दिया है तो ये डॉल बॉल पुश करना हेलो 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 इसी चौके के साथ आशीष के 50 रन पूरे होते हुए काफी अच्छे प्रदर्शन दिखाया अभी तक पांच बॉल 100 रन भी पूरे और आशीष के 50 रन पूरे हेलो 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 हेलो
हेलो ले चिवीसा नौ ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन पर खेलती हुई रेड बुल्स की टीम। और आज आपको मैं बता दूं, तीन विकेट के नुकसान पर आज पिच थोड़ी सी चेंज है। फ्लैट पिच
बैटिंग पैराडाइज। बी टू हुए बल्लेबाज पूरी तरीके से, गेंद मिडिल स्टंप पर थी, थोड़ी सी बाहर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में फील्ड हुई, वापस गेंदबाज के पास। आशुतोष ओझा ने कल भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेर रहा था, आज भी अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते हुए। अगली हेलो, काम नहीं कर रहा, बार 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 पकड़ करना ना, मुझे गोल पकड़ करना, बार बार मजा नहीं आता है।
खर्चा तो काला था।
ये बेलगाम को चीजों को बढ़ाया अपन लोगों ने। मनोज की अगली गेंद, विवेक व्यास ने खेल दिया, ऑन साइड पर फील्डर मौजूद। आप कमेंटेटर के ऊपर ऐसा क्यों बोल रही है? आप क्या माधव जी जब तक आप रहेगा ना, अगर आप पीछे बोल के सामने जाकर अभी जी आप उसको बोलना पड़ेगा ना। मनोज व्यास की अगली गेंद सामना करेंगे विवेक। कल आशुतोष और मनोज व्यास खेल रहे थे तो मैंने उसका किया ना पूरा, मेरे पे बायस होने का इल्जाम कैसे? बढ़िया बॉलिंग, सम्मान दिया पूरा, बड़ी सूझबूझ, बड़ी क्रिकेट यहाँ पर विवेक द्वारा। और एक और बड़ा झटका यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन, सिंगल जो था नहीं, वहां पर विवेक ने वापस भेजा और काफी दूर निकल चुके थे पीयूष। ये बात आप जाके बोलोगे तब वो आएगा, आप नहीं बोलोगे तो लोगों ने भाई क्यों करूंगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठाया, बढ़िया थ्रो। रावण क्लब टू कॉल, टेल्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज, रावण क्लब हैज वन द टॉस। बढ़िया सफल ओवर साबित होता हुआ, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, इस स्ट्रोक का कोई जवाब नहीं किसी फील्डर के पास। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पर विवेक व्यास द्वारा, चार रनों के लिए। नहीं साहब यहाँ मत लगा, अभी हो गया, वो गाड़ी हटेंगी ना वहां पे, एक लगा बाजू में लगा दो, शाम के समय ना बैठेंगे लेडीज, ये किधर, एक इधर, एक अंकुर, एक उधर, एक इधर, इधर भी, इधर ये यहाँ पर, इसके बाजू में बोल लगा उसके पीछे। दो ओवर की समाप्ति, 16 रन, दो विकेट के नुकसान पर। बढ़िया लय में दिख रहे थे बिट्टू, लेकिन मिसकम्युनिकेशन और रनआउट। रोहित टाइगर्स के पास एक अच्छा अनुभव, बैटिंग लाइनअप, बस एक साझेदारी की जरूरत। आशुतोष की अगली गेंद पैरों पर लगी और ये फिर एक जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। गोविंद स्ट्राइक पर सामना करेंगे आशुतोष की अगली गेंद का।
और ये यहाँ पर हवा में कई फील्डर नीचे आते हुए देखना होगा और ये जबरदस्त कैच वहां पर एक आसान सा कैच, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे मिस टाइम किया प्रेम गोरा का, अच्छा कैच वहां पर। सत्रह रन के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। आशुतोष के अगले गेम फ्लिक कर दिया है, वहां पर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। बैट्समैन केशव बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस किया केशव ने। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत यहां पर टाइगर्स को। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर केशव द्वारा, बहुत ही बढ़िया करारा स्ट्रोक 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है, जबरदस्त सिक्सर। स्कोर बढ़कर 25 रन। लेकिन
लेके आया लेके अरे वो उधर से आया पीछे से लेके आया अरे प्लेयर ने लेके आया एक मैंने दिया पहले की मैच और एक जबरदस्त हो गया यहाँ पर विवेक अपनी भुजाएं खोलते हुए छह रनों के लिए लॉग ऑन की बाउंड्री के ऊपर जबरदस्त हो अपने चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग करते हुए विवेक पहले भी टाइट सिचुएशन से अपनी टीम को मैच जिताया उन्होंने कई बार बहुत ही बढ़िया कमबैक प्रेम वोरा की पहली गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजा फुल टॉस बॉल इस बार फिर से मार दिया यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और करारा स्ट्रोक छह रनों के लिए रोहित टाइगर का स्कोर बढ़कर 37 रन दो कंसेक्यूटिव बड़े हिट्स लगाए यहां पर विवेक ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया है प्रेम की अगली गेंद स्लोअर गेंद रीड किया बढ़िया सम्मान यहां पर सूझबूझ भरा क्रिकेट खेलते हुए पीछे करते हैं भाई अंकुर सभी चार छह फीट पीछे कर दो वो गिरेगा फिर से मार गया यहाँ पर फील्डर मौजूद लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे स्ट्राइक रोटेट करते हुए विवेक इस ओवर में अपना 13 रन आ चुके हैं चार गेंदों पर रोहित टाइगर्स का स्कोर बढ़कर 38 रन मिड विकेट की तरफ खेल दिया है मनोज व्यास की बढ़िया फील्डिंग फंबल किया वहां पर और इसी बीच दूसरा रन चुरा लिया है बैट्समैन ने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जी जान लगा दी वहां पर मनोज ने बढ़िया फील्डिंग एफर्ट कोई दिक्कत नहीं एक रन पूरा किया इस ओवर की एक अंतिम गेंद से स्लोअर गेंद और बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर विवेक द्वारा पहले ही पढ़ लिया था गेंद को जबरदस्त हो गया पर ऑफ साइड पर स्टार करते हुए चार रन स्ट्राइकर्स का स्कोर करते हुए 46 रन रोहित टाइगर्स का स्कोर 46 रन Oh,
एक बड़ा ओवर यहाँ पर कोहली टाइगर के लिए, तीस रन आए इस ओवर में। इसी तरीके की बैटिंग करने की जरूरत यहाँ पर जब तक विवेक व्यास क्रीज पर है कुछ भी असंभव नहीं यहाँ पर उनके लिए। चार ओवर में 46 रन अपनी टीम के लिए, पांचवा ओवर लेकर आ रहे हैं मोहित बोरा। बढ़िया गेंद, मोहित की अगली गेंद, सामना करेंगे केशव। बहुत ही जबरदस्त पेस यहाँ पर, बढ़िया कमबैक यहाँ पर बॉलर द्वारा। महंगे ओवर के बाद दो डॉट बॉल्स, मोहित की अगली गेंद, ऑफ साइड की लाइन, बैट्समैन को फिर से एक बार बीट किया, कंसेक्यूटिव थ्री डॉट बॉल्स। शॉर्ट गेंद, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे ऑन साइड पर लेकिन कोई संपर्क नहीं। चार बजे ना
मोहित की अगली गेंद और ये एक जोरदार प्योर कर गेंद बोल्ड हो गए यहाँ पर। मोहित बोरा ने एक अच्छा कमबैक दिलाया अपनी टीम को मेडन विकेट। पांच ओवर की समाप्ति पर 46 रन। दीक्षित की अगली गेंद फुल टॉस बॉल यहां पर कोई गलती नहीं की विवेक ने जबरदस्त स्ट्रोक नो बॉल का इशारा। नो बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया नो बॉल। दीक्षित चांगानी की पहली गेंद पर ही कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन बटोरे विवेक व्यास ने। यहां पर ऑन साइड पर एक जबर बैटिंग यहां पर विवेक व्यास द्वारा। हेलो
रोहित टाइगर्स का स्कोर बढ़कर 58 रन। अगली गेंद बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, सिंगल रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोंटी द्वारा। दीक्षित की अगली गेंद का सामना करेंगे पीयूष। रोहित टाइगर्स का स्कोर बढ़कर 59 रन। अगली गेंद एक और फुल टॉस बॉल यहां पर ऑफ साइड में खेल दिया है, बहुत तेजी से बाउंड्री रेखा की ओर दौड़ते हुए, और ये चार रन। इसी के साथ नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल का इशारा, और इसी के साथ नो बॉल के साथ एक अगली गेंद थ्रू हिट, पांच रन इस गेंद पर। स्कोर 64। फिर से एक बार फुल टॉस, नो बॉल का इशारा, 22 चार रन। प्रेशर में यहां पर दीक्षित चंगाणी, एक और नो बॉल, अतिरिक्त बॉल, अतिरिक्त रन, 22 का चौका, सब कुछ यहां पर होता हुआ सरदार पटेल मैदान में। प्लीज दीक्षित की अगली गेंद फ्री हिट, और एक और नो बॉल, लगातार तीन नो बॉल। और इसी के साथ रोहित टाइगर्स के 70 रन पूरे। दूसरे टीम के प्लेयर से निवेदन की वो बाउंड्री रेखा से थोड़ा पीछे हो जाए, ग्राउंड पर ना जाए। अगली गेंद खेल दिया यहां पर ऑफसाइड पर, फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस ओवर की चार गेंद हो चुकी है। क्या हो गया बोला, दो बीमर डाल दिए बोले, तो कितने हो गए 71। रोहित टाइगर्स का स्कोर 71 रन। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के ऊपर से फ्लैट सिक्स विवेक व्यास द्वारा, बढ़िया क्रिकेटिंग स्ट्रोक लगाते हुए विवेक। और इस छक्के के साथ रोहित टाइगर्स का स्कोर हो चुका है 77 रन। एक गेंद से ओवर की शेष,
और एक एक्स्ट्रा इस ओवर में बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ, अब तक 32 रन आ चुके हैं इस पांच गेंदों में। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल फिर से एक बार खेल दिया हवाले के, परंतु कैच करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पर दीक्षित का, बहुत बढ़िया एफर्ट, परंतु में आसान नहीं होता, लेकिन बढ़िया एफर्ट। और इस बीच एक ओवर को 3 रन ले लिए हैं यहां पर बैट्समैन ने बड़ी चपलता के साथ। बहुत महंगा ओवर यहां पर रेड बुल्स के लिए, 33 रनों का ये ओवर, 3 नो बॉल 1 वाइड, ओवर थ्रोस, 3 सिक्सेस, सब कुछ यहां पर घटता हुआ इस मैच में। फिर टाइगर्स का स्कोर बढ़कर 81 रन। हेलो, बॉलिंग की कमान संभालने आ रहे हैं मनोज व्यास, बड़े अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे बॉलर है मनोज व्यास। 24 बॉल पर 57 रन की दरकार। शॉर्ट गेम खेल दिया यहां पर आउटसाइड पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 बाउंस ओवर द रोप, शॉर्ट गेम, बढ़िया रेड किया वहां पर विवेक ने, पोजिशन बनाई और ऑन साइड पर खेल दिया, 1 बाउंस ओवर द रोप। और इस चौके के साथ 23 गेंदों पर 53 रन की दरकार। और इस चौके के साथ विवेक के 50 रन पूरे। उठा दिया हमने यहां पर गेंद, हमारे फील्डर वहां पर दौड़ते हुए, और एक बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट यहां पर मनोज व्यास अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं, देखने दिलाया है जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे विवेक, बड़े खतरनाक फॉर्म में थे। बढ़िया बैटिंग यहां पर विवेक की, 48 रन बनाए विवेक ने। बावीस गेंदों में 53 रन की दरकार। बैट्समैन जितेंद्र पुष्करणा,
पिछले टेबल मनोज व्यास यहाँ पर अपनी टीम के लिए क्रूशियल ओवर लेकर आ रहे हैं। सामना करेंगे पीयूष मनोज की अगली गेंद का। मनोज की अगली गेंद फुल टॉस बनाना चाहते थे लेकिन मिस हुआ। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे पीयूष। बीस गेंदों में 52 रनों की दरकार। मनोज की अगली गेंद ऑन साइड पर खेल दिया हल्के हाथों से। फील्डर वहां मौजूद। ओवर थ्रो हो सकता था लेकिन बढ़िया फॉलो अप फॉलो थ्रू वहां पर मनोज द्वारा। लेग बाइस मनोज की अगली गेंद। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे यहाँ पर स्टंपिंग की अपील लेकिन एम्पायर पर कोई असर नहीं। इसी के साथ बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर सिर्फ 6 रन दिए यहाँ पर और एक बड़ा विकेट विवेक व्यास का। पावर प्ले का ये ओवर। बैटिंग पावर प्ले फील्ड रिस्ट्रिक्शन केवल 3 प्लेयर बाउंड्री के बाहर। बढ़िया तेज गेंदबाजी बैट्समैन कीपर सभी को बीट करते हुए पौंडी रेखा के पार 4 रन 22 का चौका एक्स्ट्रा 3 रन ऊपर कुछ लगाना होगा रावण क्लब को। इसी के साथ स्कोर बढ़कर कोई टाइगर्स का 91 रन। गोली की तरह निकलती हुई मोहित बोरा की गेंद बैट्समैन कीपर सभी को बीट करते हुए। मोहित की अगली गेंद ऑफ साइड पे खेल दिया। यहां पर फील्डर मौजूद लेकिन चपलता के साथ एक रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ स्कोर 92 रन। मोहित बोरा की अगली गेंद का सामना करेंगे नीमच एक्सप्रेस जितेंद्र। ऑन साइड पर आउटसाइड लेग वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन। मोहित
मोहित की अगली गेंद, जितेंद्र स्ट्राइक पर जबरदस्त प्रहार यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर बॉल पर आते हुए तीसरे रन का कोई मौका नहीं। स्ट्राइक रोटेट करते हुए पीयूष अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे मोहित की अगली गेंद का। दीक्षित के हाथ में गेंद, लेकिन बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ एक रन कंप्लीट किया। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे पीयूष, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। थ्री टाइगर्स का स्कोर 95 रन। मोहित के इस ओवर की, पावर प्ले के इस ओवर की दो अंतिम गेंदें। एज थी यहां पर जोरदार अपील, लेकिन कीपर के हाथ से बॉल फिसलते हुए इसी बीच सिंगल कंप्लीट किया। रन पर वापस जाते हुए मोहित अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे पीयूष। फुल टॉस और एक बार फिर बैट्समैन और कीपर दोनों कर कर के बाहर, चार रन। मनीष वैसे न्यूटन इस बाउंड्री से बाहर आए। प्लेयरों से निवेदन कि एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन बहुत ही अनुभवी एम्पायर, जहां पर एम्पायर से बारह गेंदों पर 38 रन की दरकार, बढ़िया रोमांचक मैच यहां पर। बॉलर बॉलिंग में परिवर्तन, कमेंट्री एंड से बॉलिंग करने आ रहे हैं रोहित गोपा। दो ओवर में
38 रन की जरूरत। दरकार 12 गेंदों पर। सामना करेंगे जितेंद्र पुष्करणा। बढ़िया गेंद यहां पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। रोहित की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद घुमाना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में। रोहित टाइगर सा एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक यहां पर, बढ़िया बैटिंग अभिषेक मिश्रा द्वारा। और एक जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, दो लगातार सिक्स। अभिषेक बिस्सा फॉर्म में, अपनी टीम के लिए दो जबरदस्त हिट लगाते हुए रोहित गोपा की गेंदों पर, दो गेंदों पर 12 रन। रोहित टाइगर के खेमे में उत्साह। सभी खिलाड़ियों से निवेदन कि वे बाउंड्री रेखा से पीछे आ जाए, प्लेइंग एरिया में नहीं जाए। कितने नौ बॉल में। बढ़िया बैटिंग यहां पर अभिषेक द्वारा। और एक हिट लगाना चाहते थे लेकिन इस बीच सिंगल चुराया। बढ़िया बैटिंग यहां पर अभिषेक द्वारा। सात गेंदों पर 25 रनों की दरकार। ये नहीं, ये भाई साहब, मैं अभी ये बॉल पे छक्का मारना चाहिए तभी मैच जीतेंगे। अब मैच है 19, सीधा 19 में आएगा ना काम। रोहित की अगली गेंद, स्लोअर गेंद घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। बढ़िया फील्डिंग वहां पर प्रेम बोरा की, कला प्रहार करना चाहते थे, मिस किया। बढ़िया फील्डिंग वहां पर। आखिरी ओवर में 25 रनों की दरकार। बैटिंग पर युवा बल्लेबाज अभिषेक बिस्सा, उनके साथ अनुभवी दर्शन त्रोहित। रोहित टाइगर्स के प्लेयर से निवेदन की वे बाउंड्री से पीछे आ जाएं। मनीष भैया, पीयूष, कुंटी भैया से निवेदन की सभी प्लेयर्स को बाउंड्री से अंदर रखें।
वाइड बॉल, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, एक बॉल, एक्स्ट्रा बॉल और एक्स्ट्रा रन, छह गेंदों में 24 रनों की दरकार। आखिरी ओवर रेड बुल्स ने कमान संभाली है अर्जुन के हाथों में। छह गेंदों में 24 रनों की दरकार। ने फॉलो थ्रू से वापस आए अपने रन अप पर जाते हुए अर्जुन। बड़ा ही क्रूशियल ओवर। स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव यहां पर लॉन्ग साइड पर खेल दिया है। फील्डर के हाथों में गेंद, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पर। पांच गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। तीन गेंदों में अब तक 13 रन बना चुके हैं अभिषेक। सवा 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अभिषेक। ऑफ साइड से बाहर, कोई संपर्क नहीं, एक डॉट बॉल। चार गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। लॉन्ग रन के ऊपर से जबरदस्त प्रहार। गेम में रोमांच अभी भी बना हुआ। चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। तीन गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। अर्जुन की अगली गेंद, स्लोअर गेंद और इसको बहुत बढ़िया पड़ा यहां पर। बढ़िया रीड किया यहां पर अभिषेक ने। पांच गेंदों पर 500 के स्ट्राइक रेट से 25 रन पर खेल रहे हैं अभिषेक शिक्षा। रेड बुल्स की टीम में खलबली। पडल बनाते हुए टीम मॉडल विचार विमर्श करते हुए यहां पर रेड बुल्स की टीम। एक युवा बल्लेबाज ने प्रेशर में ला दिया है पूरी टीम को। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज अभिषेक बिस्सा का। स्लोअर गेंद की थी लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ टाइम लिया, प्रॉपरली रीड किया गेंद को और 6 रनों के लिए। दो गेंदों पर 11 रनों की जरूरत।
500 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है अभिषेक बिस्सा। वाइड गेंद और इस मैच में, रोमांचक मैच में सब कुछ होता हुआ, मेडन विकेट तो कभी 35 रन का ओवर, फिर एक बढ़िया कमबैक, एक आतिशी पारी अभिषेक बिस्सा द्वारा, रोमांचक मैच यहां पर पुणे टाइगर्स और रेड बुल्स के बीच में। दो गेंदों पर 10 रन की जरूरत। और ये बोल, बढ़िया बैटिंग की यहां पर अभिषेक बिस्सा ने, 6 गेंदों पर 25 रन बनाकर जबरदस्त बैटिंग, जोरदार तालियां हो जाए इस बल्लेबाज के लिए, जोरदार बैटिंग, स्टैंडिंग ओवेशन अभिषेक बिस्सा के लिए। फुंटी भैया और मन्नू भैया से निवेदन की वे बाउंड्री से बाहर आ जाए, प्लेइंग एरिया से बाहर आए। रोहित टाइगर के सभी प्लेयर से निवेदन की वे कृपया करके बाउंड्री रेखा से बाहर आए। जोरदार स्वागत अभिषेक बिस्सा का पैवेलियन में। नेक्स्ट दोनों टीम रावण क्लब और पुष्करना यूथ विंग के प्लेयर्स रेडी रहे। मनीष चांदा, इस मैच की अगली गेंद, एक गेंदों पर 10 रनों की जरूरत, अनुभवी मनीष चांदा स्ट्राइक पर। वाइड गेंद, वाइड गेंद, 9 रनों की जरूरत एक गेंद पर। अंतिम गेंद स्लोअर वन और पूरी तरीके से बीट हुए मनीष, एक बहुत ही रोमांचक मैच यहां पर खत्म, रेड बुल्स ने मैच जीत लिया है। रावण क्लब के प्लेयर से निवेदन की वे नेक्स्ट मैच में तैयार रहे। पुष्करना यूथ विंग से निवेदन की वे अपनी फील्डिंग सेट करें, समय को मान दे, आज हमें 6 मैच और खेलने हैं। पुष्करना यूथ विंग के प्लेयर से निवेदन की वे फील्डिंग सेट करें, जोरदार उत्साह यहां पर, जोरदार स्वागत अभिषेक बिस्सा का।